नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे। आज आप सबका स्वागत है कास्ट एंड गेमिंग के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए ज़्यादा समय आपको बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यही रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, और ये टॉप वेरियंट है, ड्यूअल टोन पेंट का ये वेरियंट है, इससे टॉप में कोई होता नहीं है। सो, इसी वेरिएंट का मैं आज रिव्यू करने वाला हूं। सो, आगे बढ़ते हैं। तो भैया, अगर इस बाइक के बारे में आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 विच इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड सीरीज लाइनअप। हालांकि इसमें आपको 500cc के वेरिएंट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुके हैं 500cc इंजन, लेकिन ये इसका इंजन जो है वो भी न्यू 350cc लाइनअप का जो मॉडल है, ये फर्स्ट मॉडल है मीटियोर फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड जो नया इंजन यूज़ करते हैं 350cc वाला, 349cc का इनफैक्ट ये। एंड मैं बोलता हूँ, एवरीथिंग ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज इन दिस बाइक कम्पेयर टू द थंडरबर्ड। आप ये मत सोचना कि बस बॉडी के कुछ चेंजेस होंगे, मैं तो बोलता हूँ इंजन ही इसका मेन चेंज है, क्योंकि ये इंजन में आपको शाफ्ट के भी चेंजेस किए गए हैं। 346cc से अभी 349cc बन गया है। सो देर आर नो वाइब्रेशंस एज सच नाउ, अभी के लिए वाइब्रेशंस कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। 100 km/h आराम से आप क्रूज कर सकते हो, which was not possible with the older bikes of Thunderbird lineup or any else, but इसमें जो है आपको everything change मिला हुआ है। हाँ, आप देख सकते हो A to Z, मतलब आप ये switches भी change हो गए, cluster भी change हो गया है। So far everything is changed in this bike, और ये top variant है, फिर से बता देना चाहता हूँ। सो आपको इसका मेन चेंजेस जो है वो मैं दिखा देता हूँ। सो अभी मैं वॉक अराउंड कर रहा हूँ इसी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का। सबसे पहले मैं आपको इसका हेडलाइट हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये हेडलाइट जो है अभी भी एलोजन ही दिया हुआ है, लेकिन ये साइड में जो रिंग आती है DRL की, आप कह सकते हो LED लाइट है, बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। हालांकि डे लाइट में इतना अच्छी मतलब दिखती नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रात के टाइम जो है, नाइट टाइम है, बहुत ही अच्छा दिखता है ये। एंड इसके साथ ही साथ इसका इंडिकेटर भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका इंजन, आप देख सकते हो ये 349cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। एंड इसमें आपको 20.2 BHP का पावर देखने के लिए मिल जाता है और 27 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ज़्यादा चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस जो है, लाइव ड्राइव करते हो ना तो आपको 100% फ़र्क दिख जाएगा इस इंजन का। एंड रॉयल एनफील्ड हैज़ डन अ गुड जॉब विद दिस इंजन, आपको ज़्यादा वाइब्रेशन देखने के लिए नहीं मिलते, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ। एंड आप इसके सीट्स देख लो, इधर आपको बैकरेस्ट भी दिया हुआ है विच इज़ अवेलेबल इन द टॉप वेरिएंट, और कस्टमाइजेशन आप करवा भी सकते हो। एंड इधर ये जो है टैन सीट्स है, मेरे हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल है इस बाइक के लिए। एंड मैं अभी पीछे की तरफ आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो दिस टेल लाइट हैज़ बीन चेंज्ड, बहुत ही कूल दिखती है, मतलब ये साइड में जो LED टचेस दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे दिखती है। और ये है इसके इंडिकेटर्स, एंड मेरे को यार ये बहुत ही अच्छी लगी, कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आएंगी, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद आने वाली है, इतनी अच्छी दिखती है बाइक। एंड इसका एग्जॉस्ट भी मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। एंड इस साइड से भी आप बाइक को देख लेना, एंड वो बबल वाइजर है ऊपर जो दिया हुआ है वो आपको कुछ ही वेरियंट्स में मिलेंगे, हालांकि एक्स्ट्रा आप लगवा सकते हो फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इटसेल्फ। एंड ये है इसका एग्जॉस्ट, एंड व्हील्स आप देख लो इसके, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, अलॉय व्हील्स है ये। पीछे की तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, अलॉय व्हील्स है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, अलग से लगवाना नहीं पड़ेगा। सो, अभी इसका एग्जॉस्ट का साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ, आप सुन सकते हो। आपने सुन लिया होगा। अभी मैं आपको इसका गेज क्लस्टर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये इसका गेज क्लस्टर है। रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए हैं इसमें, ये आपको नेविगेशन देखने के लिए मिलता है इधर, ये जो है टर्न टू टर्न नेविगेशन सिस्टम है। एंड इसको कनेक्ट करना पड़ता है, हालांकि अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इधर आपको कनेक्ट करना पड़ता है,
एंड ये जो है इसमें आपको स्पीडोमीटर है, आपको सर्विस इंडिकेटर है, गाड़ी का सर्विस कराने के समय ये आप जाता है, आपको ये फ्यूल इंडिकेटर है एंड ये आपका ट्रिपोडोमीटर है एंड इसके साथ ही साथ ये फ्यूल लाइट है, बैटरी लाइट है एंड ये ABS वाली लाइट है एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है इधर आपको। ये मेरे हिसाब से अपडेटेड रॉयल एनफील्ड आप इसको मान सकते हो क्योंकि एवरीथिंग इज़ अपडेटेड। इधर आपको 20-20 नेविगेशन सिस्टम मिलता है, फिर से बता रहा हूँ ये कलर डिस्प्ले है, लेकिन इधर जो है आपको फ़ोन की नोटिफिकेशंस है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 20-20 नेविगेशन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मेरे हिसाब से वो भी बढ़िया है एंड इधर आप स्विचेस देख सकते हो, बहुत ही नीटली दिया हुआ है आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। एंड ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, आपके पूरे स्विचेस चेंज हो चुके हैं, ये इंजन जो ये फ्यूल इंजेक्टेड है। और इसके टैंक के बारे में मैं बात करता हूँ, ये पेंट जो है ब्लू एंड ब्लैक ड्यूअल टोन पेंट है, सॉरी फोकस हट रहा है, सो आप देख सकते हो ये बहुत ही एलिगेंटली इसका लोगो भी दिया हुआ है। इधर आपको बहुत ही सारे कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेंगे, आपका नाम लिखवा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो एंड बहुत ही 4 लाख प्लस कस्टमाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे रॉयल एनफील्ड ऐप में, सो दिस इज़ गुड। एंड इधर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, सो इसका इंजन रिफाइनमेंट एंड इंजन परफॉर्मेंस इज वे बेटर। पिछली क्लासिक जैन दो थंडरबर्ड्स आती थी 300 cc 350 cc में, उनके परफॉर्मेंस है ये बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, हालांकि आपको नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन दिस वन गोज 0 to 100 विद इन जस्ट 17 seconds। हालांकि वो उतना क्विक नहीं है, लेकिन पिछली वाली रॉयल एनफील्ड 350 cc से ये बहुत ही अच्छी इंजन है, क्योंकि पिछली वाली जो क्लासिक्स है या थंडरबर्ड्स है वो 25 seconds में जाती थी 0 to 100। आप समझ सकते हो कितना कंसिडरेबल अपग्रेड हो गया है ये इंजन के लिए, सो आप इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि रॉयल एनफील्ड बाइक्स में आपको वाइब्रेशन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत ही रिड्यूस हो गया, आप आराम से चला सकते हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा। एंड दिस बाइक आई पर्सनली लाइक दिस एंड इसमें आपको बहुत ही चेंजेस देखने के लिए मिल गए थे। एंड ब्रेकिंग फीडबैक जो है इसका ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है आपको इसमें एज स्टैंडर्ड, आपको अगर ब्रेकिंग फीडबैक देखनी है वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट मैं बोलूँगा। जावा मैंने चला ही नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इसका ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है, स्किड नहीं होता है, बहुत ही अच्छा है। लाइटली इसके साथ मैंने ऑफ रोडिंग भी किया हुआ है, आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा, सो आप देख सकते हो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। पेंट क्वालिटी भी देख लो, मैं 9 out of 10 देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेंट है ये रिफ्लेक्शन है, आप ज़्यादा कुछ मत समझना। एंड इसका फ्यूल टैंक जो है वो आपको 15 liters ही आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि ये रिड्यूस्ड है, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, सो दिस इज़ 15 liters। पहले 20 liters हुआ करती थी, अभी 5 liters डिक्रीज हो गई है। एंड अब देख सकते हो गाड़ी की लुक एकदम परफेक्ट, अब देख सकते हो। सो गाइज इसका माइलेज जो है वो 35 kmpl है क्लेम बाय रॉयल एनफील्ड, हालांकि मेरे को थोड़ा कम लगता है इसका माइलेज, लेकिन उतना ही एक्सपेक्ट करना आप। एंड ये बाइक जो है बहुत ही रिफाइंड है, अभी मैं आपको इसका ड्राइव दिखा देता हूँ। हालांकि इसका टॉप स्पीड जो है वो 130 एक्सपेक्ट करना, 130-135 से ज़्यादा नहीं भागेगी, लेकिन 0 to 100 एंड 0 to 60 परफॉर्मेंसेज जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हो गए हैं एंड वाइब्रेशंस आर वेरी लेस इन दिस बाइक, सो अभी ड्राइव पे चलते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं चला रहा हूँ यही रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 इन द सीडी, एग्जैक्टली आप इसका सीडी परफॉर्मेंस देख सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी 4th gear में हूँ और 40 kmph पर चल रही है गाड़ी एंड कोई भी जर्क्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे एंड दिस व्हीकल इज़ गोइंग गुड। सिटी राइडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी है एंड क्रूजिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। पहले रॉयल एनफील्ड से मैं अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ बहुत ही वाइब्रेशन जो है कम हो गए हैं एंड इसका पूरी जगह से मतलब फुट पेग्स में, हैंडली बार्स में, अब कहीं भी देख लो वाइब्रेशन इज़ वेरी लेस। मैं अभी फील कर रहा हूँ मेरे को बहुत ही चेंज लग रही है गाड़ी। इनफैक्ट मैं अभी इसको अच्छी स्पीड में चला रहा हूँ, 40 फॉर द सिटी इट्स गुड। एंड कोई भी गियर में आपको इंस्टेंट पावर आ जाती है, ऐसा नहीं है कि 4th gear में अगर आप लो स्पीड में चला रहे हो तो जर्क कर दिए गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4th gear एंड 5th gear 40 kmph इज़ ईजी एंड आप इंस्टेंटली थ्रॉटल करते ही आपको पावर इंस्टेंटली डिलीवर हो जाती है। इनफैक्ट ये 20.2 bhp एंड 27 Nm टॉर्क इज़ इनफ फॉर दिस बाइक, ये क्रूजर सेगमेंट की गाड़ी है। इनफैक्ट कोई भी कस्टमर रॉयल एनफील्ड का स्पेशली पावर नहीं देखता है, स्पेशली दे लुक फॉर द कम्फर्ट एंड फील,
जो ये 100% प्रोवाइड कर रही है अभी मेरे को कंफर्ट। मैं इनफैक्ट बोलूँ तो ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छी कंफर्ट दे रही है। एंड हैंडलिंग के बारे में मैं बात करूँ तो ये इतना वेट फील नहीं करती है जितना ये है। एंड आपको लीन करने में भी, हालांकि इसको लीन करने के लिए कोई भी नहीं लेगा, फिर भी ये अच्छी तरीके से चल रही है गाड़ी। एंड आप देख सकते हो ब्रेकिंग भी इसका अच्छा है सिटी में, एंड स्किड भी नहीं हो रही है। मेरे को ब्रेकिंग फील भी इसका अच्छा लगा, एंड कंफर्ट भी आप देख सकते हो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। सिटी के लिए आप स्पेशली लेना चाहते हो, रॉयल एनफील्ड 350 cc में कुछ लेना चाहते हो, बेस्ट है, गो फॉर इट। तो गाइस अभी आपने देखा इसका सिटी राइडिंग, एंड अभी आप देखो इसका ऑफ रोडिंग, मैं कहूँगा मीडियम ऑफ रोडिंग। आप रोड को तो देख ही सकते हो, ये अच्छी स्पीड पकड़ रही है इस रोड में, एंड ऑफ रोडिंग के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको मल्टी क्वांटिटीज के साथ एक बाइक चाहिए, ये क्रूजर भी है, ये एक हाईवे में भी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है, माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर लेती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग में मेरे को कोई भी दिक्कत ऐसी स्पेशल में आई नहीं है। एंड ये गाड़ी हैंडलिंग में भी अच्छी है, ऑफ रोडिंग में भी। एंड आप देख सकते हो मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ भी मतलब हिल नहीं रहा है, इतना वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, एंड इधर मेरे को फील भी नहीं हो रहा है ये रोड। हालांकि ये रोड बहुत ही स्टोन से भरा हुआ है, तो मैं इसके साथ आपको कह सकता हूँ कि ये माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर लेती है। फिर कह रहा हूँ आपको मल्टी क्वालिटीज़ वाली बाइक चाहिए, आप डेफिनेटली जा सकते हो। ब्रेक्स भी अच्छे हैं इसके, अभी मैंने मारा है ब्रेक। सो आगे बढ़ते हैं। इसका और एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं मेंशन करना भूल गया, वो फीचर ये है कि जब आपका राइड कंप्लीट होता है, तब आप गाड़ी रोकते हो, उस समय पर स्टैंड को नीचे करने से इंजन जो है अपने आप शटडाउन हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है, यही था एक फीचर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यही था एक वॉक अराउंड एंड डिटेल रिव्यू ऑफ दिस रॉयल एनफील्ड मीटियर 350। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ टू द गाइस ओवर एट रॉयल एनफील्ड नेरेडमेट। एंड ये शोरूम जो है बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम्स ऑफ हैदराबाद है, आप जा सकते हो, आप विजिट कर सकते हो, ज़रूर चेकआउट करो। आप अगर एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लेने के प्लान बना रहे हो तो दिस गाइज वुड गाइड यू वेरी वेल। एंड अगर हम इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये एक शोरूम में स्टार्ट होता है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, डुअल टोन वाला है, बबल वेजर के साथ आता है, एंड टैन सीट्स के साथ आ जाता है। एंड अगर आप इसके प्राइजेस को जानना चाहते हो ऑन रोड, वहाँ पर आप अगर हैदराबाद में रहते हो तो ज़रूर इस शोरूम को विजिट करना, आपको ऑन रोड प्राइजेस के साथ फीचर्स के साथ सभी आपको गाइड कर देंगे। एंड एक शोरूम प्राइजेस जो है इसी वेरिएंट एग्जैक्ट वेरिएंट के 196,000 के हैं, एंड ऑन रोड प्राइस एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, हर एक स्टेट का डिफर करता है। सो दिस ओवरऑल दिस बाइक इज़ अ वेल पैक्ड बाइक। आपको अगर एक क्रूजर चाहिए हो तो डेफिनेटली गो विद दिस, एंड पिछले रॉयल एनफील्ड बाइक से ये बहुत ही बेटर है। इट्स टाइम टू अपग्रेड इफ़ यू आर प्लानिंग टू। एंड गाइस यही था, एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। एंड ज़रूर अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद नहीं भी आता है तो फिर भी नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट को पढ़ता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।